बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहले टाइप आती है वो है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ सिर्फ वन रो हो, यानी कि m इज इक्वल टू वन हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ वन रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। आपके जहन में आया होगा कि रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें वेक्टर दिया गया हो और अगर हम उस वेक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो रो वेक्टर कहलाता है। कुछ इस तरीके से, अगर हम टू डायमेंशन का वेक्टर ले लें और फिर इसके कोफिशिएंट्स को अलग करके मैट्रिक्स बना दें तो एक रो मैट्रिक्स बन गया है। लेकिन ये निकला का किधर से है? ऊपर दिए गए वेक्टर से निकला है। ये है रो और ऊपर दिए गए वेक्टर से निकला है, इस वजह से हम इसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब रो मैट्रिक्स की या रो वेक्टर की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये पहली एग्जांपल, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एक ही एलिमेंट है और इसकी सिर्फ एक ही रो है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स में भी आप देख सकते हैं कि एक ही रो है, एलिमेंट्स 3 हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही है। वो अलग बात है कि कॉलम्स 3 हैं लेकिन रो एक ही है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, रो एक है, तो ये रो मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, आइए अब मैट्रिसेस की सेकंड टाइप जो कि कॉलम मैट्रिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिसेस। स्टूडेंट, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। रीजन वही जो मैंने आपको रो मैट्रिक्स में बताई है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर वन कॉलम हो, यानी कि n इज इक्वल टू वन हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि m को नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ वन कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल जो हमें दी गई है वो ये है। आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट है। ये रो मैट्रिक्स भी कहलाया जा सकता है और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाया जा सकता है। चूँकि हम कॉलम मैट्रिसेस की एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं तो आप इस एग्जांपल को सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स के तौर पर ही समझें। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जांपल है। अगर आप इस एग्जांपल्स की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है और 3 रोज हैं। एक कॉलम और 3 रोज, एक कॉलम है जिसकी वजह से ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। स्टूडेंट, रो और कॉलम मैट्रिसेस को हमने डिस्कस कर लिया। आइए मैट्रिसेस की तीसरी टाइप जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है उसकी तरह मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेस की तीसरी टाइप जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, यानी कि m इज नॉट इज इक्वल टू n, ऐसी कंडीशन को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स अब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये पहला मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इस मैट्रिक्स की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स, 3 रोज हैं, अगर हमारे पास एक और कॉलम आ जाता तो रोज में चेंजिंग ना आती, सिर्फ कॉलम में चेंजिंग आती,
तो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स होता ऑर्डर का, 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, उसमें 3 रोज होती और 3 कॉलम्स होती, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना कहते। आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स में डेफिनेशन को अप्लाई करें कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। इसी तरह ही हम अगर दूसरी एग्जांपल को देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह ही अगर हम एक और रो को ऐड कर देते तो हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स आती, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना होता। इनफैक्ट ये एक और टाइप होती मैट्रिक्स की, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब फोर्थ टाइप मैट्रिक्स की, जो फोर्थ टाइप है, उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑपोजिट है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, यानी कि m इज इक्वल टू n हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये पहला मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये एक 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप दूसरे एग्जांपल्स की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि इस एग्जांपल में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ये एक 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, दोनों 3 3 हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक और टाइप को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम मैट्रिक्स की टाइप डिस्कस करेंगे, उसका नाम है नल और जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, नल मैट्रिक्स, खाली या फिर जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ओ से। अब हम नल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप इस पहली एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये एक नल या फिर जीरो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नल मैट्रिक्स की। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, लेकिन ये भी एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो लिहाजा ये भी एक नल मैट्रिक्स ही है। स्टूडेंट्स, आइए अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो मैट्रिक्स की टाइप डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर लिया जाए और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में तब्दील कर लिया जाए, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, जो मैट्रिक्स हासिल होगा, उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे कहा गया है कि इसका ट्रांसपोज हमें बताएं, तो मैं उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से लिख दूंगा और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज की तरह लिख दूंगा, तो फिर मैं कह सकता हूं कि मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मैं लूँ, तो उसके राइट टॉप कॉर्नर में जब उसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा, फिर उसके राइट टॉप कॉर्नर में छोटा सा टी हम लिख देते हैं, जिससे बात वाजह हो जाती है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया गया है। आइए अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये पहला एग्जांपल, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। इस मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स कितने रोज हैं? जी, इसमें 2 रोज हैं और कॉलम्स 3 हैं। 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर लेंगे तो वो 2 कॉलम्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें भी 2 रोज हैं। जब हम रोज को कॉलम में तब्दील करेंगे
तो टू रोज हैं, जब कॉलम तब्दील होंगी तो टू कॉलम्स हो जाएंगे, और इसमें थ्री कॉलम्स हैं, और जब हम कॉलम्स को रोज में तब्दील करेंगे तो थ्री कॉलम्स हैं तो थ्री रो हो जाएंगी, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 1 0 2, ये पूरी एक रो है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने वर्टिकली लिख दिया है, रो थी हमने इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया है। इसी तरह ये जो एक रो है 2 -1 3, ये एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन और नंबर है, ये एक रो है, तो इसको हमने वर्टिकल लाइन और नंबर की शक्ल में लिख दिया है, तो लिहाजा ये भी एक कॉलम बन गया। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे टू रोज और थ्री कॉलम्स को थ्री रोज और टू कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने एक 2 by 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर लेके 3 by 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने एक राइट टॉप कॉर्नर में छोटा सा टी लिखा है, जिसकी वजह से हमें मालूम हो रहा है कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया गया है। स्टूडेंट्स, आइए दूसरी एग्जांपल को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें तो हमें बहुत ही छोटा और आसान मैट्रिक्स दिया गया है। स्टूडेंट्स, अब आप बताइए इसमें रोज कितने हैं? जी, एक ही रो है और कॉलम्स टू कॉलम्स है। स्टूडेंट्स, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की क्या तादाद होगी? जाहिर है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी इसकी एक रो है और टू कॉलम्स है, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो टू रोज हो जाएंगी और एक ही कॉलम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और नंबर थी, एक रो थी, तो हमने इसको वर्टिकल लाइन और नंबर्स में लिख दिया, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है और इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बी के राइट टॉप कॉर्नर में छोटा सा टी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये बात वाजिया हो रही है कि ये एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया गया है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स की 7 टाइप, जिसका नाम है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे मौजूद एलिमेंट्स की साइन चेंज कर लिए जाए। स्टूडेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स दिया जाए और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साइन को चेंज करके हम एक और मैट्रिक्स बना दें तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमने इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमने इन सबको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे, जब हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लेंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कि जब हमने मैट्रिक्स दिया गया था, जब हमें मैट्रिक्स, तब उसके पीछे कोई साइन नहीं था, लेकिन जब हमने इसका नेगेटिव लिया तो ए के पीछे माइनस का साइन आ गया, जिससे बात वाजह हो गई है कि हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले लिया गया है, यानी कि हमने उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन गया है। जब हम इस मैट्रिक्स के साइन चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर कुछ यूँ आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 1 के साथ पॉजिटिव साइन है, लेकिन जब हमने साइन चेंज किया तो माइनस हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस 3 एलिमेंट के साथ प्लस साइन है, और जब हमने साइन चेंज किया तो यहाँ पर माइनस आ गया। इसी तरह ही आप बाकी एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 8th टाइप हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है देखते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम ऊपर डिस्कस करके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद की इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तब सिमेट्रिक होगा जब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाए। अगर ये कंडीशन फॉलो करें और अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाए जो हमें दिया गया था, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये एक हमें मैट्रिक्स दिया गया है, पहले तो हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं।
देखें स्टूडेंट्स इसमें रोज कितनी है। जी इसमें 3 रोज हैं, और अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इसमें 3 ही कॉलम्स हैं। इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी 3x3 है। तो बात वाजिया हो रही है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। स्टूडेंट्स अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हम चेक करते हैं कि यही मैट्रिक्स वापस आता है कि नहीं। स्टूडेंट्स अगर हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने का तरीका जो था वो हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि हम नंबर ऑफ रोज को चेंज करके नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करके नंबर ऑफ रोज। अगर आप खाली नंबर ऑफ रोज को चेंज करके नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर दें तो भी ट्रांसपोज हो जाता है स्टूडेंट्स। और हमने कहा था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स के जो सिंबल है उसके राइट टॉप कॉर्नर में छोटा सा टी लिखा है, जिससे बात यह वाजिया हो रही है कि ट्रांसपोज ले लिया गया है इस मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स अब आप गौर करें कि क्या ये ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आया है। जी हमने देखा कि जब इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गया, इसका ऑर्डर में भी कोई चेंजिंग नहीं आई, इसके एलिमेंट्स में भी कोई चेंजिंग नहीं आई। हमने चेंज किए हैं 1, 2, 3 को, हम रो थी हमने कॉलम बना दिया, 2, -1, 4 को रो थी हमने दोबारा कॉलम बना दिया, इसी तरह ही जो थर्ड रो थी 3, 4, 0 उसको भी हमने कॉलम बना दिया, हमने रोज को कॉलम्स बना दिया, तो हमने ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है, जिसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो हम कह सकते हैं था ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही होती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया, अब इसी से मिलती जुलती स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, जो कि इनफैक्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की इसकी 9th टाइप है। आइए स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम टाइप डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की, इसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मजीद जिक्र किया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को भी हम जानते हैं कि अगर हमें मैट्रिक्स कोई दिया हो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हो तो हम उसके मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का एक और तरीका ये भी है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया हो तो हम उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और फिर इसको उस मैट्रिक्स से बाहर भेज देते हैं, तो फिर ये एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। अभी जो नीचे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें हम इसी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता यह था कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया था और हम अगर उसका ट्रांसपोज लें तो अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। लेकिन स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दरअसल होता क्या है? स्टूडेंट्स अगर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो और हम उसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स हमें हासिल हो हम उसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बना लें, उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बना लें, फिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब हम बना लें तो जो मैट्रिक्स हमें आखिर में हासिल होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को और जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के शुरू में दिया गया था उसको हम देखेंगे, अगर वो दोनों मैट्रिक्स बाय ऑर्डर और बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स अगर वो दोनों मैट्रिक्स मैच करते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स आइए हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, पहली कंडीशन हमने देखना है कि स्क्यू मैट्रिक्स है या नहीं। देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। जी अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से आएगा, हमने इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे सामने आ गया। स्टूडेंट्स पहला और दूसरा स्टेप हमने कर लिया, हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हासिल हो गया। अब हमने इसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि हम वो स्टेप करेंगे कैसे। स्टूडेंट्स देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का नेगेटिव उनसे नेगेटिव कॉमन लिया है। स्टूडेंट्स ये देखिए ये इस मैट्रिक्स में 2+ था, हमने नेगेटिव कॉमन लेना है। जब हम नेगेटिव कॉमन लेंगे
तो जाहिर है अंदर माइनस टू आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, वो यही वैल्यू आ जाएगी। हमने ये स्टेप इसलिए किया ताकि हम माइनस साइन को बाहर ले जाएं सब में से कॉमन करके। इसी तरह हमने थ्री में भी किया, थ्री यहाँ पर प्लस में था और फिर हमने इसको इस तरीके से इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया। वन से भी इस तरह ही हुआ। शून माइनस टू माइनस थ्री और माइनस वन में हमने स्टेप नहीं किया, क्योंकि वो हमें पहले से ही एक नेमत मिली हुई है। आप कह लें कि एक नेमत मिली हुई है कि पहले से ही ये लोग माइनस हैं, पहले से एलिमेंट्स माइनस हैं, इनको मैंने माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं। शून जीरो को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जीरो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ना पॉजिटिव होता है, जिसके साथ ना पॉजिटिव साइन होता है और ना ही नेगेटिव साइन होता है, तो लिहाजा हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले भी नहीं सकते। स्टूडेंट्स हमने सारे में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिए। अब इस नेगेटिव साइन को हम बाहर कॉमन ले लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने कॉमन ले लिया इस नेगेटिव साइन को, जो ये थे, ये जो नेगेटिव साइन हमें दिए गए थे, ये जो माइनस वन के बाहर है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, इन सब में से हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। और अब हमारे पास ये जो अंदर मौजूद है मैट्रिक्स आया है, ये एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अब इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स से कंपेयर करें, अगर तो ये सेम टू सेम मैच होता है, यानी कि अगर इसका ऑर्डर भी सेम आता है इन दोनों मैट्रिक्स का, और इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम आती हैं, इक्वल आती हैं, तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे। स्टूडेंट्स इस माइनस साइन को देखने को नहीं कहा मैंने, सिर्फ इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखने को कहा है। तो आप जरा देखिए कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। जी आप देखें, अगर तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स की जगह हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स यही है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस ए। स्टूडेंट्स हमें कंडीशन क्या कही गई थी कि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये कंडीशन हमें कही गई थी। हमने ट्रांसपोज ले लिया, राइट हैंड साइड तो होगी, ये ट्रांसपोज हमने ले लिया, फिर हमने इसी ट्रांसपोज को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में तब्दील कर दिया, और फिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हमने पहले दिए गए मैट्रिक्स से कंपेयर किया, तो माइनस ए ही आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया। हमें कंडीशन भी यही दी गई थी स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही होती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आता है, जैसा कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जरा लेंथी था, मैंने आपको समझा दिया है कि आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आइए अब हम डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिसेस की 10th टाइप है, उसकी तरफ मूव करते हैं और अब उसको डिस्कस करते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस होता क्या है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप जो हम मैट्रिक्स की डिस्कस करेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कहला सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब उसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो। स्टूडेंट्स इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें बताना है ये डायगोनल है या नहीं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल ये होता है, ये किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल स्टूडेंट्स यही होता है। डेफिनेशन में हमें कहा गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ तब डायगोनल होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जब उसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। और आप इस मैट्रिक्स का डायगोनल भी दे सकते हैं, थ्री एंट्रीज हैं और थ्री की थ्री एंट्रीज नॉन जीरो हैं, जबकि डेफिनेशन में एक एंट्री का कहा गया है कि कम से कम एक जीरो हो, एक नॉन जीरो हो, यहाँ भी तीनों ही नॉन जीरो है। और दूसरी स्टेटमेंट जो है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज वो नॉन जीरो हो। स्टूडेंट जी जितने भी जीरो आपको नजर आ रहे हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। स्टूडेंट जितने भी जीरो इस मैट्रिक्स में आपको नजर आ रहे हैं इनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। डेफिनेशन में यही कहा गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जिसके डायगोनल में एक एंट्री नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो। स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल में देख लेते हैं कि क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं।
स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं इसका भी डायगोनल मैट्रिक्स वही है, इसका भी डायगोनल वही है जो ऊपर है। हर मैट्रिक्स का डायगोनल इनफैक्ट यही होता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल में टू नॉन जीरो एंट्रीज हैं, यानी कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज भी जीरो हैं। दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये एक 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स होप सो कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आइए अब हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि वो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो। स्टूडेंट लेकिन स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सारी एंट्रीज नॉन जीरो हो और सारी एंट्रीज सेम हो, एक जैसी हो। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हम पहले वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म दरअसल कुछ यू है। स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में सारी एंट्रीज सेम होती हैं और नॉन जीरो होती हैं, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हुआ करती थी। और स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो हुआ करती थी और स्केलर मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो हुआ करती हैं। स्टूडेंट्स जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं वो नॉन जीरो है, उसकी जगह के है, के लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इसकी जनरल फॉर्म है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स में ये जो के होता है, ये जो डायगोनल है, ये कभी भी जीरो या वन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज तो ऑटोमेटिकली जीरो होती हैं इसमें। अगर हम डायगोनल एंट्रीज को जीरो कर दें, के है, अगर हम के को जीरो कर दें तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, एक 3x3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स अगर हम इस के की वैल्यू वन पुट करें तो फिर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि अब लास्ट टाइप है टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, वो अब हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स पहले हम स्केलर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, पहले तो हमें देखना है कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है भी या नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता था कि इसके डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, ये तीनों ही नॉन जीरो है, ये तो अच्छी बात होगी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स का ताकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो, आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है। स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स अब ये कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर होगा जब उसके डायगोनल में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और नॉन जीरो हो। आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल में 2 2 2 है, ये सेम भी हैं और ये नॉन जीरो भी हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। स्टूडेंट होप्स हो कि आपको स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लास्ट टाइप जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है वन। स्टूडेंट्स आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। डायगोनल मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या होता है कि उसकी डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री होती है और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्री सारी वन होती हैं। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल में सारे एंट्रीज वन है तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, आप कभी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि स्केलर में जो डायगोनल में होता है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो स्केलर मैट्रिक्स में ना जीरो हो सकती है ना वन हो सकती है, क्योंकि अगर जीरो होंगी तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा जो कि मैट्रिक्स की एक और टाइप है, और अगर वन होंगी तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा जो कि मैट्रिक्स की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक और अलग से टाइप है। तो स्टूडेंट्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वन बाय वन ऑर्डर का, इसके अंदर वन ही रो है और वन ही कॉलम है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल है ही एक और इसमें वन है, वन पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होती है आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।